तो फाइनली दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया, रियल फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे वीडियो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जिस तरह की थंबनेल है उस तरह की फोटो एडिटिंग सीखने के लिए इस वीडियो को प्रॉपर वॉच करना होगा। तो फाइनली दोस्तों, इस पिक को हम ऐड कर लेंगे लाइट रूम ऐप में, और यहाँ से हम ओपन कर लेंगे लाइट रूम ऐप को। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ से मैंने लाइट रूम ऐप को ओपन कर लिया। यहाँ से जो मैंने पिक ऐड की थी उसको भी ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से हम लाइट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो एक्सपोजर है इसको हम थोड़ा बढ़ा लेंगे, और यहाँ से जो शैडो इसको बढ़ा देंगे, वाइट को भी बढ़ा देंगे और ब्लैक को भी बढ़ा देंगे। इतना करने के बाद में यहाँ से हम कलर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो टेम्परेचर है इसको हम बढ़ा देंगे, और यहाँ से जो टिंट है इसको हम डाउन कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से कुछ इस तरह से इसको कर लेते हैं डाउन, और यहाँ से जो विब्रेंस है इसको भी बढ़ा लेंगे, और यार सेचुरेशन है इसको भी बढ़ा लेंगे कुछ इस तरह से। तो फाइनली दोस्तों, इतना करने के बाद में यहाँ से हम फिर कलर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से मिक्स वाले टूल पे आएंगे, और यहाँ से जो फर्स्ट वाला टूल है इसकी सेचुएशन बढ़ा देंगे, और यहाँ से जो हुई है इसको भी बढ़ा देंगे, और यहाँ से जो सेकंड वाला टूल है इसकी सेचुएशन डाउन कर देंगे, जिससे मेरा फेस है वो गोरा हो जाएगा, और यहाँ से इसकी लुमिनोज है इसको बढ़ा देंगे। तो फाइनली दोस्तों, इतना करने के बाद में यहाँ से जो थर्ड वाला टूल है इसकी सेचुएशन है वो डाउन कर देंगे, और यहाँ से जो फोर्थ वाला टूल है इसकी जो सेचुएशन है इसको बढ़ा देंगे। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से जो हुई है इसको बढ़ा लेंगे, तो यहाँ से और यहाँ से इतना करने के बाद में आप देख सकते हो जो मेरा फोटो है कुछ इस तरह से एडिट होकर रेडी हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों, लाइट रूम में आपको कुछ इस तरह से टूल्स का यूज करके आपको फोटो बना लेना है। तो फाइनली दोस्तों, इतना करने के बाद में यहाँ से हम इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से इसमें थोड़ा टेक्स्चर डाल लेंगे। फाइनली दोस्तों, यहाँ से क्लैरिटी को बढ़ा लेंगे, और यहाँ से फिर डिटेल पे क्लिक करेंगे, इसमें शार्पन बढ़ा देंगे, जिससे मेरा फेस है वो अच्छी तरह से स्मूथ हो। तो फाइनली दोस्तों, इतना करने के बाद में यहाँ से हम इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से बिगनेट को डाउन कर देंगे, और यहाँ से फैदर को बढ़ा देंगे। तो फाइनली दोस्तों, बिफोर की पिक देखो और आफ्टर की। तो इस तरह से मेरी फोटो जो है लाइट रूम ऐप में एडिट हो चुकी है। तो यहाँ से हम इस पिक को शेयर करेंगे 3D लुट ऐप में। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैं शेयर कर लेता हूँ इस पिक को 3D लुट ऐप में। तो फाइनली दोस्तों, उस ऐप की मदद से हम प्रीसेट है उसे अप्लाई करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैंने जो है अपनी पिक को कर लिया है, इसमें थोड़ा बग आ गया, तो यहाँ से जो पिक है वो दिखेगी नहीं। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से लुट पे क्लिक करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और यहाँ से आपको टॉप 25 पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको छोटे छोटे फोटो दिख जाएंगे, आपके जो फोटो आपका होगा उसमें छोटे छोटे फोटो आ जाएंगे। जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इसमें भी बड़ा एक फोटो आएगा। बाई चांस अगर मेरे में गलती हो गई, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ गई मेरे ऐप में, तभी नहीं आ रहा। तो यहाँ से आपको फिल्टर बहुत से अप्लाई करने को मिल जाएंगे, तो यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं एक एक। तो यहाँ से मैं जो फिल्टर अप्लाई करूँगा उसका नाम है कुछ इस तरह से। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैं इस वाले MBW 32 रेड वाले टूल को अप्लाई कर लेंगे, सॉरी फिल्टर को अप्लाई कर लेंगे, और यहाँ से इसको सेव कर लेंगे गैलरी में, और गैलरी में सेव करने के बाद में इस पिक को हम शेयर करेंगे स्केचबुक ऐप में। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैंने अपनी पिक को ऐड कर लिया स्केचबुक ऐप में, और यहाँ से आप देख सकते हो जो मैंने फिल्टर अप्लाई किया था कुछ इस तरह से अप्लाई हुआ। तो इस तरह से आप भी अपने पिक में फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, एंड इस तरह की जो है फेस को बना सकते हो। फाइनली दोस्तों, इसमें हम फेस को स्मूथ करेंगे, तो स्मूथ करने के लिए इस वाले ब्रश को हम कर लेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जो साइज है इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से जो फ्लो है सेटिंग आपको देख लेनी है, और यहाँ से हम कुछ इस तरह से स्किन पे करेंगे अप्लाई। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हो यहाँ से जो मेरा फेस है वो कितनी अच्छी तरह से स्मूथ हो रहा है। तो इस तरह से आप भी अपने फेस को अच्छी तरह से स्मूथ कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से आप धीरे धीरे फेस को स्मूथ करें, जिससे आपका फेस है वो अच्छी तरह से स्मूथ हो। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैंने वीडियो कर दिया फास्ट, जैसे मेरा वीडियो लंबा रहा, और यहाँ से जो फेस है वो भी जल्दी से स्मूथ हो जाए। तो आप धीरे धीरे फेस को स्मूथ करें, जिससे आपका फेस वो अच्छी तरह से स्मूथ हो। तो फाइनली दोस्तों, मेरा जो फेस है वो अच्छी तरह से स्मूथ हो चुका है। तो यहाँ से मैं हैंड वगैरह स्मूथ कर लेता हूँ, जो गर्दन वगैरह इसको भी स्मूथ कर लेता हूँ, और यहाँ से इतना करने के बाद में आप देख सकते हो मेरा जो देखते ही देखते मेरा जो फेस है वो स्मूथ हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हो यहाँ से कितनी अमेजिंग फोटो दिखने लगेगी। तो फाइनली दोस्तों, इतना करने के बाद में इस पिक को हम शेयर करेंगे लाइट रूम ऐप में, जहाँ से हम फेस को गोरा कर सकें। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से कलर पे क्लिक करेंगे, मिक्स वाले टूल पे आएंगे, और यहाँ से जो फर्स्ट वाला टूल है इसकी सेचुएशन बढ़ा देंगे, और यहाँ से सेकंड वाले टूल की है सॉरी और यहाँ से जो फर्स्ट वाला टूल है सेचुएशन हुई को बढ़ा देंगे, और यहाँ से सेकंड वाले टूल की जो लुमिनोज है इसको बढ़ा देंगे, जिससे मेरा फेस है वो गोरा हो जाएगा। तो थर्ड वाले की लुमिनोज को बढ़ा देंगे, तो आप देख सकते हैं मेरा जो फेस है वो एकदम जो मैंने थंबनेल में दिखाया था वैसा ही हो चुका है। तो इस तरह की फोटो एडिटिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।